शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 10/2/13 और आज फिर रविवार है, तो रविवार के दिन हम अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनते हैं। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 26/10/75 और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है विकारी देह रूपी सांप से। क्यों बाबा ने कहा विकारी रूपी, विकारी विकारों रूपी देह? क्योंकि विकारों से पैदा हुआ है, तो विकार है जहर, तो ये जहर सांपों में है। तो बाबा कहते हैं विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हरेक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है, किया है ना? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कि हरेक ने कोर्स किया है ना। कोर्स के बाद फिर ये रिवाइज कोर्स चला, हाँ फिर रिवाइज कोर्स भी चला और चल रहा है। रिवाइज के बाद अब ये अंतिम कोर्स है, रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स है क्या? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का कोर्स, महसूस करने का कोर्स। अर्थात जो कुछ भी सुना आज तक, जब से बाबा आए हैं सुना रहे हैं, तो जो कुछ भी सुना, फिर बाबा से हम जो पाते जा रहे हैं, तो जो पाया, फिर हम बाप के चरित्रों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा देखते हैं, तो जो बाप के चरित्र देखे उसी प्रमाण अपने में समाया कितना और गंवाया कितना। माना जो कुछ सुना, जो कुछ पाया और जो बाप के चरित्र देखे उसी प्रमाण अपने में समाया कितना और गंवाया कितना। बाबा कहते हैं स्वयं में चेक करो, सिर्फ सुनने वाले बने या स्वयं संपन्न बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं व बाप दादा के गुणगान करने वाले बने। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने या सबके सिर्फ सुमिरन करने वाले बने। चार सब्जेक्ट बाबा ने बता दी, तो बाबा ने कहा इन चारों सब्जेक्ट में स्वरूप बने या फिर दूसरों को जो स्वरूप बने उनका सिमरन करने वाले बने। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना आवश्यक है और सेवा करना मुझ ब्राह्मण का फर्ज है। चारों सब्जेक्ट कितनी जरूरी है और उन सब्जेक्ट से हमें क्या क्या करना है वो बाबा ने बताया। ऐसा सिर्फ सुमिरन करते हो या फिर स्वरूप भी बने हो, इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, ये है लास्ट कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर्स चेक करते हैं, ऐसे आप सबको भी आदि से अंत तक अर्थात आज तक का अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स ली है। समय के प्रमाण जबकि मंजिल सामने दिखाई दे रही है, डबल लक्ष्य स्पष्ट है, वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता, सर्व प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी और बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का
अटेंशन और चेकिंग की विधि के द्वारा ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म बहुत समय भी व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर नहीं सकते, व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो, जैसे क्लास के समय का व अमृत वेले की याद के समय का अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है आज का, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से। बहुत अच्छी बात बाबा समझा रहे हैं कि राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की, जो ईश्वरीय परिवार के ब्रह्मा बाप के द्वारा जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं, उन आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।